हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इंडियन मुसाफिर यूट्यूब चैनल पे। सो दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं सुंदरगढ़ का एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया पे, जो कि रिस्ट्रिक्टेड जोन है। ये लोकेशन बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है, लेकिन जंगल में है इसलिए ये थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। और यहाँ पे बहुत ही एंशियंट स्टोरीज़ हैं, यहाँ पे ये एक एंशियंट वाटरफॉल बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि ये जो वाटरफॉल है ना, ये वाटरफॉल के साइड में या फिर वाटरफॉल के पास में ना, हाथी के पैर और घोड़ों के पैर और जितने भी जंगली जानवर है ना, सबके पैरों के निशान है वहाँ पे। मतलब ये आज का नहीं, बहुत सालों साल पहले, कुछ 1000 ईयर्स या फिर उससे पहले, वो सब ग्रुप में जो आते थे पानी पीने के लिए, तो उनका पैरों का उनके पैरों के निशान सब रह गए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये गाँव लोग बोल रहे हैं, वहाँ के लोकल्स ऐसा बोले ये जगह के बारे में, ऐसा स्टोरी है। तो फिर और यहाँ पे वो लोग किसी को अलाउड भी नहीं करते। क्यों अलाउड नहीं करते? एक तो फर्स्ट थिंग, उन लोग का ये पूजा मतलब होली प्लेस है उन लोग के, वो वहाँ पे पूजा करते हैं ऊपर में, जहाँ पे कि हमको वो जाने नहीं दिए, मना कि आप मत ही जाए तो ही बेटर है। और दूसरा थिंग ये है कि ये जंगल में है और यहाँ पे जंगली जानवर आते रहते हैं, सो सेफ्टी के पर्पज़ भी वो मना कर रहे थे कि आप लोग मत जाओ बोल के। बट मेरा वहाँ पे एक दोस्त था, जान पहचान था, मैंने उनसे बोला कि हमें लेके चलो थोड़ा वाटरफॉल दिखाने के लिए, तो फिर वो उसके बाद राजी हो गया। बहुत ही रिक्वेस्ट की उसे कि भाई थोड़ा ले चल। फिर उसके बाद वो भी हमारे साथ गया, वहाँ पे गया, हमारे साथ बैठा, देखा, हम लोग अच्छे से वीडियो वीडियो किए, फिर वहाँ से आ गए। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि 2-3 दिन पहले ही हाथी वहाँ से क्रॉस करके गए, क्योंकि हाथी का पॉटी का निशान वहाँ पर है, ठीक है ना। सो ये वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। सो ये जगह पे मैं अकेले नहीं हूँ, बून भाई तो मेरे साथ है ही और मेरे दोस्त भी हैं वो सब। सो पूरा जर्नी को आप एंजॉय कीजिए। बून भाई के घर, जो कि हम आके पहुँच गए हैं, पीछे हमारे दो दोस्त और हैं और वहाँ पे है बून भाई, कहाँ गिरे दिखाई नहीं दे रहे। सो अभी हम निकल रहे हैं एक हिडन झरना की तरफ, तो चलिए मिलते हैं झरना। अभी हम पहुंच गए हैं हमें जहां पे जाना था, लेकिन आगे गाड़ी लेके नहीं जा सकते, सो यहां पे हम पीछे गाड़ी सब पार्क कर रहे हैं। यहां पे ये देखिए पीछे हमारी गाड़ी सब है। सो अभी चलिए फिर चलते हैं, ट्रैक करते हैं। 1.5 किलोमीटर आगे है, ट्रैकिंग करना पड़ेगा। 3 किलोमीटर? अच्छा, आगे और 3 किलोमीटर है हमको ट्रैक करके जाना पड़ेगा घने जंगल में। सो चलिए फिर चलते हैं। पीछे हमारे सब भैया सब आ रहे हैं और आगे दादा हमको लेके जा रहे हैं। मैं देखिए आगे टिपू आ गया, और हाँ टिपू आगे जा रहे हैं, टिपू हमको लेके जा रहे हैं। थक गए दोस्तों ट्रैक कर करके, देखो टिपू भी खड़ा है। टिपू हमारा गाइड है आज। देखिए जंगल, देखिए थके हुए हारे हुए। सबसे ऊपर टीपू है, टीपू दोस्तों देख रहे हैं तो कैसा जंगल है, एकदम चुम्मेश्वरी वाला जंगल। पानी 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 का साउंड आ रहा है, लगता है हम लोग झरने के पास पहुंच गए। छोटा वाटर क्रॉसिंग हमको भी क्रॉस करना पड़ेगा इधर से। अभी इट सीम्स लाइक वी आर इन हिमाचल प्रदेश। स्टीप है भाई, बहुत स्टीप है। पसीने देख रहे हो आ रहे हैं। क्या है ये? हाथी का पॉटी है ये, हाथी भी है यहाँ पे। हम अकेले नहीं है जंगल में, हमारे साथ यहाँ पे हाथी भी है।
बेसिकली हम जगह के ऊपर आके पहुंच गए। अभी हम इसको क्रॉस करके आगे जा रहे हैं, जहाँ पे हाथी का पैर और घोड़े का पैर का निशान है वो देखेंगे, और लोकल से वहाँ पे वो हमको बताएंगे कहाँ पे है। बोल रही है देखिए लोकेशन कुछ ऐसा है। ये पानी ये देखिए सामने ऐसे पानी आ रहा है। आई एम प्रेटी श्योर कि कैमरा इतना जस्टिस नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये खुली आंखों में देखने से जो मज़ा है ना भाई, इसको ना आप कैमरा में नहीं बता सकते। हो गया है, लेकिन जो पूरा पानी फ्लो में आता है ना, पूरा ये यहाँ पे पत्थर पूरा पानी से फुल रहता है, पूरा पूरा पानी फ्लो करता है यहाँ पर। और टीपू, ए टीपू चला ऊपर, ये देखिए टूटा हुआ झरना पीछे है, दोस्त भी है और जलेबी भी है, तो इससे अच्छा और क्या चाहिए। एंजॉय कर रहे हैं हम अभी अपना सैक के ऊपर। कौन कौन सा एनिमल का पैर का फुटप्रिंट से बताइए ज़रा। हाथी का, घोड़ा का है ना, हाथी का घोड़ा का सब है ना। अच्छा दोस्तों मैं दिखाऊंगा आपको नीचे अभी कहाँ पे उनका फिंगर मार्क्स हैं, दिखाऊंगा आपको। खाली दादा वो बताएंगे अभी कौन सा हाथी का पैर है और कौन सा घोड़े का पैर है। तो दादा बताइए कौन सा घोड़े का पैर है। घोड़ा का ये पैर है, यही वाला दिखता है, यही वाला छोटा छोटा, ये देखिए छोटा छोटा सब घोड़े का पैर है। देखिए ये जो है ना, ये सब घोड़े का पैर, घोड़े का पैर देख रहे, पता चला ना घोड़ा का पैर ऐसे ऐसे, ये देखिए ऐसे यहाँ पे। और हाथी का पैर कौन सा है? पैर बड़ा बड़ा है, हाथी का पैर बड़ा बड़ा है, हाथी का पैर, हाथी का पैर एक यहाँ पे है, ये वाला है, ये है, ये एक हाथी का पैर है, ये और ये बड़ा वाला, ये भी है, ये वाला घोड़ा का पैर, ये और देखिए ये सब देखिए यहाँ पे पूरा पता चल रहा है कि घोड़े का पैर कौन सा है। ये घोड़े का है, ये घोड़े का है, ठीक है, और ये सब सब घोड़े का है। ये अभी का नहीं, ये 5000 बहुत पुराना टाइम का है, पहले अच्छे से पता चलता था, लेकिन अभी कंटिन्यूसली यहाँ से पानी फ्लो हुआ ना, तो फिर वो सब धीरे धीरे मिट गए यहाँ पे, यहाँ से, ठीक है ना। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दूर से देखिए, ये देख रहे हैं ना घोड़ा का, घोड़े का पैर का निशान ऐसा ऐसा है, देख रहे हैं ना घोड़े का पैर का निशान।